गुड इवनिंग गाइस। तो मैं अभी हुआ हूँ ऑफिस से फ्री और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा है अभी से। आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आसपास अपने घर के आसपास, भी मैं साइकिल पे हूँ, ऑफिस से निकला हूँ। तो मेरे घर के पास थोड़ी सी मैंने एक जगह देखी है, थोड़ा दूर से देखी है, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। लेट्स गो। गाइस, तो मैं इस जगह के बारे में बात कर रहा था यार। सीरियसली ये जगह इतनी पसंद आई है ना मुझे, पहली बार यहाँ पर आया हूँ मैं। अक्सर पीछे उस तरफ बैक साइड में रोड है, मैं वहाँ से निकलता हूँ, बट ये ग्रीन एरिया दिखाई देता है मुझे दूर से ना, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन ऊंचा ऊंचा, तो मुझे लगता था यार ये कहाँ कुछ है, यहाँ पर पहाड़ है या कुछ है। मैं हमेशा सोचता था जाऊँगा एक बार, देखूँगा क्या है यहाँ पर, बट यार व्यू देखो आप, कितनी सुंदर जगह है यार, पूरी ग्रीनरी है। और ये जैपनीज़ों के खेत हैं, ये इन लोगों ने गेहूँ उगा रखे हैं, वहाँ पर सब्जियाँ उगा रखी हैं, बंद गोभी वगैरह। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। कैसी लगी आपको जगह? मुझे बहुत अच्छी लगी जगह है। और सामने रिवर है, मैं आपको रिवर भी दिखाऊंगा अभी, उधर से रिवर जा रही है। मेरा मन तो था थोड़ा टाइम से आता, थोड़ा रिवर के पास बैठता, बट अभी टाइम ज़्यादा हो गया, 6 बजने वाले हैं, क्योंकि मैंने वॉच भी नहीं पहनी, आई थिंक 6 बजने वाले हैं, जो भी है। तो बहुत सुंदर जगह यार, बहुत ग्रीनरी, और देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से इन लोगों ने पहाड़ों के अंदर घर बना रखे हैं, और चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में ये गाँव है। ये गाँव है क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वो थोड़ा डाउनटाउन एरिया है, सारे गांव हैं आसपास, सिटी है, मैं सिटी में रहता हूं, बट ये सारा डाउनटाउन पड़ता है इस तरफ, सारा का सारा ये गांव है। ये सारी खेती हो रखी है, गेहूं, मकई, ये सब, बंद गोभी सब उगा रखा है इन लोगों ने। और इतना मज़ा आ रहा ना, सीरियसली इतनी फ्रेश एयर है, और इतने देखो सिस्टम से घर बना रखे हैं यार, कितने सुंदर। सबको अपने घर बनाने के साथ साथ ना पेड़ पौधे लगाने पे भी ध्यान देना चाहिए, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए यार, कि आने वाले टाइम में हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बहुत ट्रबल करेंगे हम लोग। उससे पहले हम थोड़ी ग्रीनरी का ध्यान रखें, क्योंकि यार बिना फ्रेश एयर के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, सीरियसली। यहाँ पर अपनी ऑक्सीजन ले रहा हूँ ना, सांस ले, सांस की आवाज़ आ रही है, इतनी सफाई है, इतनी यहाँ पर पॉल्यूशन, डस्ट बिल्कुल नहीं है यार, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप इंजॉय करो, यही दिखाना था मुझे अभी के लिए, मेरे को देखना था, क्योंकि आज मैं इस जगह को काफ़ी दिन से दूर से देख रहा था, मैंने बताया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रनिंग करने आऊँगा। अब मैं काफ़ी दिन से ढूँढ रहा था आसपास कुछ ऐसी जगह दिख जाए जहाँ पर फ्रेश एयर हो, मतलब फ्रेश एयर तो चारों तरफ है, बस थोड़ी शांति हो और ट्रैफिक ना हो। तो यहाँ पर तो कोई आता नहीं है, मेन रोड ही है, और बाकी की ये स्ट्रीट सारा वॉक करने के लिए। मैं हूँ रेडी निकलने के लिए, बट मुझे थोड़ी सी गर्मी है सफाई, क्योंकि मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक टोक्यो रहूँगा, तो सफाई करने का मुझे इस हफ्ते टाइम मिला नहीं। हालांकि मैं घर रहता हूँ, बट वीकली नहीं करी तो मुझे करनी थोड़ी सी सफाई, वैक्यूम मारना ज़्यादा नहीं, वैसे मैं करता रहता हूँ, करते हैं उसके बाद निकलते हैं घर के लिए।
फाइनली मेरा सारा काम हो गया फिनिश, सफाई, कपड़े वपड़े जो थे मेरे पूरे हफ्ते के कपड़े धो दिए मैंने, पूरी क्लीनिंग कर दी अपने घर की, जो भी कर सकता था, जो भी मेरा रूटीन है वो कर दिया। अब निकलते हैं घर क्योंकि अब हो गया टाइम काफ़ी ज़्यादा और 7:45 का टाइम है। अभी चलते हैं, निकलते हैं और ट्रेन लेते हैं फटाफट। शाम के 7:45 बज रहे हैं, 6:45, और मेरे चेहरे पे पसीना बह रहा है अभी भी, इतनी गर्मी है। पर फिलहाल मौसम थोड़ा सा ठीक है, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पसीना बहुत निकल रहा है। चलते हैं फटाफट, ट्रेन लेते हैं और पहुँचते हैं घर, और रास्ते में बातें करते रहेंगे चलते चलते। वेरी गुड, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। और ये है टाइम गाइस, फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और ये ट्रेन चलेगी 5 मिनट बाद। ये है रैपिड। बात और शेयर करनी थी यार, मैं सोच रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करने के लिए सोच रहा हूँ मैं, पहले मेरे दिमाग में था बट मैंने कभी सोचा नहीं। बट मुझे किसी जैपनीज ने सजेशन दिया कि यार आप इंडिया से हो तो आप इंडिया के साथ कुछ मैच करके अपना नाम रखते हो तो ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टोक्यो के आपने लव इन टोक्यो डाला हुआ है तो जो टोक्यो जापान के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, बट आप इंडिया का डालोगे तो लोग जैपनीज लोग मोस्टली इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया के जो लोग हैं, खाना पीना रहन सहन है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं अपना चैनल का नाम चेंज करने की सोच रहा हूँ, तो देखते हैं जो भी नाम चेंज होगा तो आपके सामने अगले व्लॉग में आएगा। अभी तो मैं सोच ही रहा हूँ, ऐसा कुछ अभी तक कन्फर्म नहीं है। बाकी कौन गाइस, तो फाइनली मैं निकल गया हूँ स्टेशन, ट्रेन से बाहर। अभी स्टेशन के अंदर हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। पहुँच गया बक्काबाने स्टेशन और मुझे करना है यहाँ पर भाई का वेट। भाई का फ़ोन आया था कि वो बक्काबाने आ रहे हैं, आसपास हैं, तो उनका वेट करता हूँ। बक्काबाने मार्केट आपने पहले देखी है, उनका वेट करता हूँ, बैठता हूँ कहीं जगह लेता हूँ। अब बैठ के यार भाई का वेट कर रहा हूँ, भाई अभी आने वाले हैं तो हम लोग फिर साथ ही यहाँ से बस लेकर साथ ही जाएंगे। मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कितनी देर में पहुँचते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। गाइस फाइनली पहुँच गया मैं घर, अभी अभी घर पहुँचा हूँ और अभी फ्रेश होते हैं, चेंज करता हूँ, कुछ खाता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग यार। तो अभी अभी सो के उठा मैं और ये सही है, टाइम हो रहा है 10, थोड़ा जल्दी उठ गया, 10 बज गए हैं। रात को आया तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, खाना वाना बना रहे थे तो वहीं पर मैं थोड़ा कुछ काम में लगा हुआ था, तो उसके बाद कल घर पहुंचने के बाद मैंने अब व्लॉग कंटिन्यू करा है। अभी व्लॉग चलेगा शाम तक, और बाहर बहुत धूप है और टेम्परेचर है 37 डिग्री, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी बहुत है, 37 डिग्री टेम्परेचर है, मौसम थोड़ा क्लाउडी है पर गर्मी पे कोई फ़र्क नहीं है यार। तो बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है इतनी गर्मी में, शाम को ही निकलेंगे कहीं जाएंगे बाहर। तो बाकी गाइस मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया, मेरे चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया, चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर समीर। और मुझे ये ठीक लगा, इंडिया का नाम आया, मेरी कंट्री का नाम आया जो मैं चाहता था, तो इंडियन यूट्यूबर समय मुझे सिंपल लगा तो मैंने वो नाम रख दिया। आई होप आप लोगों को ये नाम पसंद आएगा, मुझे तो पसंद आया है, आप लोगों को भी पसंद आएगा।
मौसम। हाय गाइस, तो शाम के बज गए हैं 7, तो अभी थोड़ी गर्मी कम हुई है। मैं थोड़ा फ्रेश होके अभी लिख ले, हम लोग बाहर थोड़ा सा जाते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा शॉप में जाएंगे, थोड़ी चीज़ें खरीदेंगे। और साथ में जा रहे हैं अनिल भैया, अनिल भैया आ रहे हैं, हसन भाई, छोटू भाई ये आ गए, तो इन्हीं के चक्कर में हमेशा लेट होते हैं हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वहाँ पर शॉप पहुँचते हैं, उसके बाद करेंगे व्लॉग कंटिन्यू। और छोटू भैया, गर्मी के क्या मज़े आ रहे हैं यहाँ पर, गर्मी इंजॉय कर रहे हो आप पूरी? नहीं यार, रात तो करीबन 40 के करीबन टेम्परेचर था। चलो 40 के करीबन टेम्परेचर, तो भाई जो मैंने फ़ोटो लगाई है ना अपनी, वो जो सारी स्नो में फ़ोटो है, वो मैंने इसे लगाई है कि वो गर्मी से थोड़ी राहत मुझे मिले एटलीस्ट फ़ोटो देख के, तो इसलिए वो मैंने करा है। भाई गर्मी यहाँ भी अच्छी खासी है, बट ये कि 2 महीने अच्छी गर्मी पड़ेगी तो 10 महीने अच्छी ठंड पड़ेगी। यहाँ की गर्मी तो चिप चिप वाली गर्मी है। हाँ, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, पसीना बहता है दबा के। तो यहाँ पर जापान में रहने वाले भाइयों के लिए हमेशा एक ही राय, भाई दबा के पानी पियो, और इंडिया में रहने और पूरी दुनिया में रहने वालों के लिए एक ही राय कि भाई दबा के जितना कंज्यूम कर सकते हो ना आप, लिकर लिकर कह रहा हूँ, सॉरी लिक्विड सॉरी लिकर के लिए, लिक्विड कंज्यूम करो, लिकर कंज्यूम मत करो, नहीं तो निकल जाओगे भाई। जितना हो सकता है लिक्विड किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम करो और इन्जॉय करो। बाकी चलते हैं शॉप पे, पहुँचते हैं फिर आपसे बात करते हैं कंटिन्यू। हाँ भाई, ठंडक है यार। गाइस मैं पहुंच गया शॉप में, पहले देखता हूँ कुछ ढंग का मिलता है तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये है शॉप सारी, शर्ट्स टी शर्ट्स, पहले मैं जूते देखूँगा, जूतों का ही शौक है ना ज़्यादा। हाँ, ビンゴ大会のスタート時間はお昼の2時です。特賞はなんとディズニーペアチケットが1組様、副賞では半額チケットやお菓子の詰め合わせが合計30名様に当たります。また参加賞といたしましてビンゴカードが100円引きのチケットとしてご利用いただけます。11日土曜日はビンゴ大会に参加して皆さんの特別なお楽しみください。これっちゃねえ。最後に新商品入荷イベントのお知らせです。8月8日から12日の5日間、毎日新商品入荷イベントがあります。新商品ももちろんセール対象となりますので、新商品入荷イベントも見逃し、お買い逃しの内容をご利用ください。年に一度の大感謝祭は8日水曜日から12日日曜日までの5日間の開催です。ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来店ください。それでは引き続き、レッツエンジョイ、どんどんダウン。तो गाइस मैं बैठा हूँ शॉप के बाहर, छोटू भैया अभी कुछ सामान देख रहे हैं। मुझे तो कुछ कुछ अच्छा पसंद नहीं आया, मुझे घड़ी देखनी थी अपने लिए और एक तो टी शर्ट है, तो पसंद आई नहीं मुझे, तो मैं नहीं कर रहा हूँ शॉपिंग, छोटू भैया कर रहे हैं। तो छोटू भैया आते हैं उसके बाद हम लोग निकलते हैं। छोटू भैया है कहाँ पर यार, बोल के फ़ोन पे थे छोटू भैया। हाँ तो गाइस पसंद कुछ आया नहीं वहाँ पर, छोटू भैया ने भी कुछ नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं लिया। घड़ी पसंद आई थी बट उस पर भी सेटलमेंट हो नहीं पाया हमारा, तो शॉपिंग हमने कुछ करी नहीं। स्विस वॉच थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी इसलिए ले नहीं पाए, गरीब लोग हैं हम। तो अभी बाकी हमारे दो भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो रिफ़्रेश हो रहे होंगे, रिफ़्रेशमेंट ले रहे होंगे, और शॉपिंग तो हुई नहीं, अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं फिर चलते हैं घर वापस। हाय गाइस, तो मैं बाहर शॉपिंग के बाद आने के बाद सो गया था यार, तो जस्ट अभी सो के उठा हूँ, तो मुझे अपना एंड व्लॉग भी एंड करना था, तो मैं अभी सो के उठा हूँ, रात के बज गए 12:15, और तो मैंने कहा अपना व्लॉग एंड करते हैं, तो ये सही टाइम है व्लॉग एंड करने का। आने के बाद मैं सो गया था इसलिए कुछ और रिकॉर्ड कर नहीं पाया,
तो गाइस ये था मेरा फ्राइडे शाम से लेके सैटरडे शाम तक का पूरा व्लॉग रूटीन जो आपके साथ शेयर करा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, और मेरे चैनल का नाम मैंने रखा है इंडियन यूट्यूबर समीर, क्योंकि मुझे किसी चैप ने सजेस्ट किया था कि आप इंडिया के साथ ही इंडियन नेम के साथ ही कुछ अपने चैनल का नाम रखो, क्योंकि सर्च इंजन में टोक्यो ज़्यादातर लोग सर्च नहीं करते, और जैपनीज़ लोग ख़ास तौर पे वो इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप उसमें डालोगे तो सर्च इंजन में आपका नाम ज़्यादा आएगा, और आप इंडियन हो तो अपना नाम उस तरीके से रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग यार, आई होप आपको इस व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो ऐसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा, सोते हैं और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।